तालझाड़ी के प्रखंड सभागार कक्ष में मंगलवार को बीडीओ साइमन मरांडी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों और पदाधिकारियों सहित सदस्यों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। वहीं बैठक के बाद बीडीओ साइमन मरांडी ने बताया कि आगामी चुनाव को लेकर हुई तमाम राजनीतिक दलों के साथ बैठक में बूथ संबंधित कई समस्याएं निकलकर सामने आई, जिसके निपटारे के लिए फिलहाल संबंधित विभाग के बीएलओ सुपरवाइजर को बूथ स्तर पर होने वाली समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि राजनीतिक पार्टियों की कई अलग अलग मांग है, जैसे बूथ का बदलाव, बूथ में होने वाली कई परेशानियों को लेकर इलेक्शन कमीशन को भी इस बैठक के बारे में अवगत कराया जाएगा। आज का बैठक विगत जो है जिला स्तरीय जो बैठक हुई थी इलेक्शन में संबंधित जो है उसी के संदर्भ में जो आज बैठक किए सभी राजनीतिक दलों के साथ काफ़ी बातें जो है उभर के आई है, जो है कि लोगों को वोट देने के लिए थोड़ा सा परेशानी उठाना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो उन सब चीज़ों को जो है आज हम लोगों ने चीज़ों को रखा है, प्रश्न लिया है, क्योंकि इसको फिर जो है जाँच का विषय के रूप में हम लोग जो भी अपना बीएलओ है या बीएलओ सुपरवाइजर है उनके माध्यम से जांच लेंगे या स्वयं भी हम लोग जाँच करेंगे कि जो तथ्य सामने उभर के आई है क्या वो सही बात है या नहीं। इसके बाद फिर अगला तिथि में, क्योंकि आज की बैठक से ये संपूर्ण नए उपाध्यों में बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्रस्ताव आ रहे थे जो है उसको, क्योंकि मुझे इलेक्शन कमीशन के जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप भी हमको उसको रखना होगा जो है, तदुपरांत जो है उसको जो है अगला बैठक में इसको हम लोग फाइनल कर देंगे। वहीं मौके पर पंचायती राज पदाधिकारी परमेश्वर किस्कू, जेएमएम युवा मोर्चा उपाध्यक्ष मोहम्मद शमीम, भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष मंटू राय, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष मनोज ठाकुर, लखन पंडित, अशोक गुप्ता, मोहम्मद मिस्टर चरण हांसदा, कन्हई लाल ठाकुर सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। अमित चौधरी, न्यूज लाइव, तालझारी।